Hello students, in this part of this video we will study the consequences of migration. इस वीडियो में हम माइग्रेशन के परिणामों का अध्ययन करेंगे. इस वीडियो में हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस के, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस, इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस एंड अदर कॉन्सिक्वेंसेस. यानी कि हम स्टडी करेंगे कि इन डिफरेंट वेज से माइग्रेशन के क्या कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं, क्या परिणाम होते हैं. ओके स्टूडेंट्स, कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के परिणाम. माइग्रेशन इज ए रेस्पॉन्स टू अन इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अपॉर्चुनिटीज ओवर स्पेस. अन इवन अपॉर्चुनिटीज का यानी असमान अवसर के जो वितरण है, अवसरों का जो असमान वितरण है उसका ही परिणाम है माइग्रेशन. माइग्रेशन क्रिएट्स बोथ बेनिफिट्स एंड प्रॉब्लम्स फॉर बोथ द एरियाज. और माइग्रेशन के बेनिफिट्स भी हैं और प्रॉब्लम्स भी होते हैं. और जो माइग्रेशन के बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स होते हैं ये दोनों ही एरिया में हमें देखने को मिलते हैं. उस एरिया में जहां से माइग्रेशन हुआ है वहां पर भी, और जहां पर माइग्रेशन हुआ है वहां पर भी बेनिफिट्स और प्रॉब्लम्स दोनों हमें देखने के लिए मिलते हैं. अब हम इन बेनिफिट्स का, इन कॉन्सिक्वेंसेस का, परिणामों का, परिणाम कोई स्टडी करेंगे हम डिफरेंट सेक्टर में. यहां हम स्टडी करेंगे इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस की, डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस, सोशल कॉन्सिक्वेंसेस एंड एनवायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस की. इकोनॉमिक कॉन्सिक्वेंसेस, आर्थिक परिणाम. माइग्रेशन के इकोनॉमी में टू टाइप्स के इम्पैक्ट होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव. तो पॉजिटिव इम्पैक्ट है आपके, रेमिटेंसेस सेंट बाई इन माइग्रेंट्स इज मेजर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द प्लेस ऑफ ओरिजिन. यानी कि रेमिटेंसेस कहते हैं, यानी कि वे लोग जो अपने बर्थ प्लेस को छोड़कर कहीं और चले गए हैं काम की तलाश में, काम की वर्क करने के लिए, और अब वहां से अर्निंग करके अपने परिवारों को जो मनी भेजते हैं, पैसा भेजते हैं, उसको रेमिटेंसेस कहलाते हैं. तो ये जो रेमिटेंसेस है उनके बर्थ प्लेस के लिए, बर्थ प्लेस जहां पर उनके परिवारजन आज भी रहते हैं उनके लिए ये उनके द्वारा भेजी गई रेमिटेंसेस इनकम का एक मेजर सोर्सेस होती है. इट इज ए सोर्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज फॉर द कंट्री. और कंट्री के लिए भी ये एक फॉरेन एक्सचेंज का सोर्स है, यानी विदेशी मुद्रा का साधन है. हमारे यहां से विदेशों में जो माइग्रेशन कर गए हैं वर्क के लिए और वहां पर विदेशों में अर्निंग करके हमारे देश में अपने घरों को जो पैसा भेजते हैं वो फॉरेन एक्सचेंज हमारी कंट्री के लिए एक सोर्सेस है. थो इंटरनेशनल रेमिटेंसेज आर लेस कम्पेयर टू इंटरनेशनल बट दे प्ले ए क्रिटिकल रोल इन द लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ. हालांकि जो आपका इंटरनेशनल रेमिटेंसेज है वो इंटरनल रेमिटेंसेज से कम है, लेकिन फिर भी ये हमारी इकोनॉमिक, लोकल इकोनॉमिक ग्रोथ में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है. इट इज यूज फॉर फूड, रीपेमेंट्स ऑफ डेब्ट्स, मैरिज, हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा. और इसका उपयोग उनके परिवारजन फूड्स के लिए, अपने कर्ज को उतारने के लिए, परिवारजनों में मैरिज के लिए, हेल्थ के लिए और एजुकेशन के लिए उस भेजे हुए रेमिटेंसेस की यूज करते हैं. दिस इज द लाइफ लाइन फॉर द पुअर विलेजर्स ऑफ बिहार, यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, हिमाचल प्रदेश. और ये यूपी, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश और हिमाचल प्रदेश ऐसे ही अन्य प्रदेश के जो पुअर विलेजर्स हैं उनके लिए लाइफलाइन का भी वर्क करती है रेमिटेंसेस, क्योंकि उनके परिवार इतने गरीब हैं कि उनके पास कोई इनकम का सोर्सेस नहीं है. सिर्फ इनकम का सोर्सेस ये है कि उनके द्वारा अपने घरों को भेजे जाने वाली रेमिटेंसेस या पैसा, वही उनकी इनकम का सोर्स है, इसलिए उसको उनके परिवारों के लिए लाइफलाइन कहा जाता है.
अब इस माइग्रेशन के इकोनॉमी में कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं। तो नेगेटिव इम्पैक्ट्स क्या है? नेगेटिव इम्पैक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ ओवर क्राउडिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ स्लम्स इन इंडस्ट्रियली डेवलप्ड स्टेट्स। यानी कि जो ये माइग्रेशन होता है रोजगार की तलाश में, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में, लोग इंडस्ट्रियली एरिया में चले जाते हैं, अर्बन एरिया में चले जाते हैं, तो उनके जाने से वहां पर ओवर क्राउडिंग हो जाती है, ज्यादा भीड़ भाड़ होने लगती है, और ऐसे जगह पर फिर उस ओवर क्राउडिंग की वजह से वहां पर स्लम्स कॉलोनीज डेवलप होने लगती है। तो उन इंडस्ट्रियल एरिया में स्लम्स कॉलोनी बन जाती, गंदी बस्तियां बन जाती हैं, जिसके वहां पर बहुत सारे बेड इफेक्ट्स होते हैं। आप जानते हो स्टूडेंट्स कि एशिया की सबसे बड़ी स्लम्स कॉलोनी आपकी मुंबई में है। मुंबई में धारावी वर्ल्ड एशिया की लार्जेस्ट स्लम्स कॉलोनी है, और ये स्लम कॉलोनी भी इसी टाइप से बनी हुई है कि अदर स्टेट से, अदर प्लेसेस से लोग माइग्रेंट्स करके मुंबई में अपने काम की तलाश में आए, एम्प्लॉयमेंट की तलाश में आए, ठीक है, और इतनी अर्निंग तो थी नहीं कि वो अच्छी बस्ती में रह सके, तो वो एक स्लम कॉलोनी में सेटल हो गए, और वो कॉलोनी बढ़ती बढ़ती एक आज इतना बड़ा रूप ले चुकी है कि वो एशिया की लार्जेस्ट स्लम कॉलोनी धारावी के नाम से फेमस है। तो ये इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स हैं आपके माइग्रेशन के इकोनॉमी में। डेमोग्राफिक कॉन्सिक्वेंसेस यानी कि जननांग के परिणाम। इट लीड्स टू रीडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन एंड समटाइम क्रिएट इनबैलेंस द एज एंड सेक्स रेशो। माइग्रेशन से दोनों ही इस प्लेस की पॉपुलेशन की कंपोजिशन में चेंजिंग हो जाती है, उनकी एज और सेक्स कंपोजिशन में अंतर आ जाता है। जहां से लोग माइग्रेंट्स कर गए हैं वहां पर मेल्स की काउंटिंग कम हो जाती है, फीमेल की बढ़ जाती है, और जहां पर लोग माइग्रेंट हो गए हैं, जहां जाकर बस गए हैं, वहां पर मेल की पॉपुलेशन बढ़ जाती है। तो इस तरीके से एज में, सेक्स में डिफरेंस आ जाता है, और एज कंपोजिशन में भी डिफरेंस आ जाता है कि कहीं पर विलेजेस एरिया में, मोस्टली रूरल एंड विलेजेस एरिया में या बैकवर्ड एरियाज में, मोस्टली घरों पर चिल्ड्रंस या हाई एज पीपल्स वृद्ध लोग रह जाते हैं और आपके फीमेल्स रह जाती हैं। वहीं जहां पर इंडस्ट्रियल एरिया में या अदर कंट्री में और जहां पर अपॉर्चुनिटी ज्यादा है वहां पर माइग्रेट्स कर जाते हैं, वहां पर वर्किंग फोर्स यानी कि पोटेंशियल पावर वाली पॉपुलेशन इंक्रीज हो जाती है, बढ़ जाती है। एज एंड सेक्स सेलेक्टिव आउट माइग्रेशन फ्रॉम द रूरल एरियाज एंड एडवर्स इफेक्ट ऑन द रूरल डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। ये भी अब मैंने आपको बताया जो सेक्स में किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में एज में एज सेक्शन सेक्स देखें तो एज के अकॉर्डिंग वहां पर चिल्ड्रंस, वुमेन्स और जी आपके ओल्डर पर्सन रह जाते हैं, और जी जो आपके वर्किंग फोर्स है, युवा हैं, वो आपके दूसरे प्लेस पे चले जाते हैं। और सेक्स रेशो में देखें तो विलेज एरिया में मोस्टली आपकी चिल्ड्रन और वुमेन्स रह जाती हैं, और ऐसी वुमेन्स जिनके हस्बैंड अदर प्लेसेस पर वर्क करने के लिए माइग्रेंट्स हो जाते हैं, उन्हें घर में रहकर अपने काफी परे प्रॉब्लम्स को क्रिएट करना पड़ता है। सोशल कॉन्सिक्वेंसेस सामाजिक परिणाम। माइग्रेशन ओपन्स द एरिना ऑफ सोशल एक्सचेंज ऑफ आइडियाज, थॉट्स, नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी, फैमिली प्लानिंग, एजुकेशन फॉर गर्ल्स, अवेयरनेस इज जनरेटेड फ्रॉम द अर्बन एरियाज टू रूरल एरिया रूरल प्लेसेस। माइग्रेशन की वजह से समाज में अवेयरनेस आती है, जागरूकता आती है, और ये जागरूकता शहरों से अर्बन एरिया से गांवों की ओर फैलती है, ग्रामीण क्षेत्रों की। शहरों में, अर्बन एरिया में जो लोग माइग्रेंट्स करके गए हैं वो वहां पर डिफरेंट टेक्नोलॉजी देखते हैं, वहां पर नॉलेज मिलती है उन्हें, एजुकेशन लेते हैं और न्यू ओपिनियन से परिचित होते हैं, तो वो फिर ये सारे आइडियाज उन रूरल एरियाज में जहां से वो आए हैं अपनी फैमिली तक, उन रूरल एरिया तक पहुंचाते हैं। इस तरीके से समाज में चेंजिंग आती है। ये हम चेंजिंग देख सकते हैं गर्ल्स एजुकेशन के सेक्टर में देख सकते हैं। पहले लोग विलेजेस में गर्ल्स को एजुकेशन देना पसंद नहीं करते थे, लेकिन हम देखते हैं जिन घरों से लोग माइग्रेशन करके शहरों में गए अर्बन एरियाज में, वहां के लोगों ने अपने गर्ल्स को एजुकेशन भी दी है और फिर अपने परिवार वालों को रूरल एरिया में समझाया है भी है। आज हम देखते हैं रूरल एरियाज में मोस्टली गर्ल्स एजुकेशन लेती हैं। ये सब चेंजिंग आई है आइडियाज में, विचारों में, थॉट्स में माइग्रेशन की वजह से।
माइग्रेशन हैज पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन द डिफरेंट कल्चर, और माइग्रेशन का पॉजिटिव इम्पैक्ट डिफरेंट कल्चर पर भी पड़ता है। ड्यू टू इंटरमिक्सिंग ऑफ पीपल्स इट ओपन्स अप न्यू वेस्ट। इसमें जब माइग्रेशन करके लोग शहरों में पहुंचते हैं तो वहां पर डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट रिलीजन से लोग पहुंचते हैं, जिनकी डिफरेंट रिलीजन्स को मानने वाले, डिफरेंट कल्चर को मानने वाले, तो वहां पर जो कल्चर हो जाती है मिक्सिंग कल्चर हो जाती है और लोग एक दूसरे कल्चर को समझते हैं और उनका सम्मान करते हैं। ओन द कंट्री इट ऑल्सो नेगेटिव इम्पैक्ट, लेकिन देश के अंदर इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी हैं, कुछ नुकसान भी हैं सोशल माइग्रेशन के। इट लीड्स टू सोशल वैक्यूम एंड सेंस ऑफ डिजेक्शन एमंग इंडिविजुअल, समटाइम्स लीडिंग टू एंटी सोशल एक्टिविटीज, क्राइम एंड ड्रग एब्यूज। ग्रामीण में, रूरल एरियाज में तो लोग, व्यक्ति अपने परिवारों के साथ, अपने कुटुंबियों के साथ रहते थे और वो कुटुंबी उनकी मोरल एजुकेशन दिया करते थे, नैतिकता सिखाया करते थे। लेकिन अर्बन एरियाज में जाकर हम देखते हैं परिवार सीमित रह गए हैं, परिवार छोटे हो गए हैं, लोग वहां पर अकेलापन महसूस करते हैं, तो उनकी लाइफ में वैक्यूम आ जाता है, खालीपन आ जाता है, जिसको दूर करने के लिए वो डिफरेंट इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होने लगते हैं, क्राइम करने लगते हैं, ड्रग एब्यूज, ड्रग एडिक्ट्स हो जाते हैं। तो इस तरह की हमें परेशानियां भी आपको हमें देखने को मिलती हैं सोशल माइग्रेशन में। इन्वायरमेंटल कॉन्सिक्वेंसेस, पर्यावरणीय परिणाम। अब हम अध्ययन करेंगे कि माइग्रेशन का हमारे पर्यावरण पर क्या परिणाम पड़ता है। रूरल अर्बन माइग्रेशन लीड्स टू एक्स्ट्रा प्रेशर ऑन द एक्सिस्टिंग सोशल एंड फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द अर्बन एरियाज। रूरल से अर्बन की ओर जो माइग्रेशन होता है उसके कारण अर्बन एरियाज में जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स है उस पर बहुत ज्यादा प्रेशर बढ़ जाता है, लीडिंग टू अनप्लान्ड ग्रोथ एंड स्लम्स। और हमें वहां पर फिर उन अर्बन एरियाज में अनप्लान्ड ग्रोथ देखने को मिलती है पॉपुलेशन की, और वहां पर स्लम्स कॉलोनियां डेवलप हो जाती हैं, गंदी बस्तियां बन जाती हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे उनके बैड इफेक्ट्स वहां पर देखने के लिए मिलते हैं, बहुत सारी डिसीज देखने के लिए मिलती हैं। स्टूडेंट्स, आप ऐसा ही माइग्रेशन हमें देखने को मिला है मुंबई में। मुंबई में बहुत अधिक पॉपुलेशन कंट्री के डिफरेंट पार्ट से गई है, जिसके रीजन से मुंबई में वो एशिया की लार्जेस्ट स्लम कॉलोनी डेवलप हो गई है। धारावी आपने नाम सुना होगा, जहां पर आजकल डेंगू है, कोरोना के काफी केसेस मिल रहे हैं। तो इन स्लम्स कॉलोनियों में लोगों की जिंदगी बद से बदतर होती है, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर्स और बेसिक फैसिलिटीज की हमेशा कमी रहती है। तो ये भी एक बैड इफेक्ट है आपका इन्वायरमेंटल पर इस माइग्रेशन का। ओवर एक्सप्लोटेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज लीड्स टू एक्यूट प्रॉब्लम ऑफ डिप्लेक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, एयर पॉल्यूशन, डिस्पोजल ऑफ स्वेज एंड मैनेजमेंट ऑफ सॉइल वेस्टेज। और हम देखते हैं कि इस माइग्रेशन से, जो माइग्रेशन होता है, जिस जगह पर माइग्रेशन होता है, जहां पर लोग जाते हैं, वहां के नेचुरल रिसोर्सेज पर बर्डन बढ़ जाता है, उनका एक्सप्लोटेशन होने लगता है, उनका दोहन होने लगता है, उनका मिसयूज या ओवर यूज होने लगता है, और जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम वहां पर जेनरेट होने लगती हैं, जैसे कि ग्राउंड डिप्लेक्शन ऑफ ग्राउंड वाटर, जमीन के अंदर पानी का लेवल लो होने लगता है, वाटर पॉल्यूशन होने लगता है, वहां के पानी प्रदूषित होने लगता है, एयर पॉल्यूशन होने लगता है वहां पर, और जो डिस्पोजल निकलता है ह्यूमन वेस्टेज का, उसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम आती है, उसको मैनेजमेंट करने की प्रॉब्लम हो जाती है सॉलिड वेस्टेज को। और इस तरीके से इन्वायरमेंटल में हम देखते हैं एयर, वाटर, सॉयल, डिफरेंट पॉल्यूशन होने लगते हैं इस माइग्रेशन की वजह से, जिसकी वजह से बहुत सारी डिसीजेस भी होने लगती हैं। तो ये माइग्रेशन का हमारे इन्वायरमेंट पर भी बैड इफेक्ट पड़ता है। अदर कॉन्सिक्वेंसेस, अब देखते हैं अदर परिणाम क्या है और दूसरे परिणाम क्या होते हैं ये आपके माइग्रेशन के। मेल सिलेक्टिव आउट माइग्रेशन लिविंग देयर वाइव्स बिहाइंड पुट्स एक्स्ट्रा फिजिकल एंड मेंटल प्रेशर ऑन द वुमेन इन द रूरल एरियाज। यहां हम देखते हैं कि मोस्टली जब मेल माइग्रेशन हो जाती है
तो ऐसे मेल माइग्रेशन की जो वाइफ्स हैं, उनकी पत्नियां जो रूरल एरियाज में रह गई हैं अपने घरों में, उन पर काफी एक्स्ट्रा उन्हें फिजिकल वर्क, फिजिकल और मेंटल प्रेशर पड़ता है उनके ऊपर और वो समस्याएं ग्रस्त हो जाती हैं। लॉस ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज फ्रॉम द प्लेस ऑफ ओरिजिन इज ए सीरियस कॉस्ट दैट दे पे फॉर रेमिटेंसेस दैट दे रिसीव। और जो उस एरिया से माइग्रेंट्स कर गए हैं, स्किल्ड पर्सन, एजुकेटेड पर्सन माइग्रेशन कर गए हैं जॉब अपॉर्चुनिटीज में डिफरेंट स्टेट्स में या डिफरेंट कंट्री में, तो इससे एक बड़ा लॉसेस उस प्लेस को ह्यूमन रिसोर्सेज का भी होता है कि काम करने वाली जो पावर है, जो पोटेंशियल पावर थी, वो क्षमता दूसरी और चली जाती है, दूसरी जगह चली जाती है। तो ये भी एक लॉसेस है उस प्लेसेस को जहां से माइग्रेशन हो रहा है। द एडवांस्ड स्किल मार्केट हैज बिकम ग्लोबल एंड द डेवलप्ड नेशन आर हायरिंग द ट्रेंड वंस फ्रॉम द पुअर कंट्रीज। आज हम देखते हैं ग्लोबलाइजेशन का टाइम है, भूमंडलीकरण का टाइम है, आज व्यक्ति किसी भी देश में काम करने के लिए स्वतंत्र है, तो ऐसे जो डेवलपिंग कंट्री है, जो डेवलप हो चुके हैं, वो उनके पास पैसा है, वो ऐसे पुअर कंट्री के जहां गरीब देशों में, जहां पर गरीब देश है और वहां के जो इंटेलिजेंट पर्सन है, स्किल्ड है, हायर स्किल्ड पर्सन है, उनको हायर कर लेते हैं अपने यहाँ पर, जिससे उन कंट्रीज में जो माइंड पावर है, ह्यूमन रिसोर्सेज है, उनको उसका लॉस होता है पुअर कंट्रीज को। थ्रू माइग्रेशन ऑफ वुमेन एनहेंसेज देयर ऑटोनोमी बट ऑल्सो इनहेंसेज देयर वॉलनेबिलिटी द माइंड एस्ट नीड्स टू बी चेंज्ड इन दिस रिगार्ड। यहां हम देखते हैं कि जो वुमेन्स माइग्रेशन करती है अपने अपॉर्चुनिटीज के लिए, वो स्वावलंबी होती हैं और उनकी वैल्यू भी बढ़ती है, उनकी वैल्यू में चेंज आ जाता है माइग्रेशन की वजह से। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में हमने स्टडी की माइग्रेशन के कॉन्सिक्वेंसेस की, परिणामों की, तो हमें परिणाम दोनों ही देखने को मिले हैं, पॉजिटिव एंड नेगेटिव दोनों ही परिणाम हैं माइग्रेशन के हमें जो देखने को मिलते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हमारा ये चैप्टर यहीं पर समाप्त होता है। आप इन वीडियो की स्टडी कीजिए अच्छी तरीके से, और यदि आपको कहीं पर कोई डाउट है, कहीं कोई प्रॉब्लम है, तो उसको हमसे पूछ सकते हैं कॉल करके, हम आपके उस डाउट को क्लियर करेंगे। ओके स्टूडेंट्स।